खिंजीर के कौन कौन से आज़ा हराम हैं, किस मज़हब में खिंजीर का खाना हलाल है, खिंजीर को पैदा करने का मकसद क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू एम्पायर चैनल के प्यारे नाज़रीन, अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपके लिए एक ऐसा मौजू लाए हैं जो इंतहाई मुतनाज़े है। हमारा मौजू इसी दुनिया का रहने वाला एक ऐसा जानवर है कि कहीं इसके गोश्त को शौक से खाया जाता है और नहायत एहतमाम के साथ इन जानवरों को पाला जाता है, और कहीं ये जानवर ऐसा बदबخت ठहराया गया है कि इसको छूना भी नाजायज़ करार दिया गया है। आए आपको बताते हैं कि वो जानवर कौन सा है और क्यों इतना मुतनाज़े है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपकी खिदमत में गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन ज़रूर दबाएं। नाज़रीन गिरामी, हमारा मौजू वो जानवर है जिसे खिंजीर या सुअर के नाम से जाना जाता है। इस्लामी माशरे में खिंजीर इंतहाई काबिले नफरत जानवर है, जबकि मगरबी ममालिक और कुछ दूसरे ममालिक में इसका गोश्त बड़े शौक से खाया जाता है। आएं इस बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि खिंजीर को इस्लाम में क्यों हराम करार दिया गया है। सबसे पहले तो कुरान और हदीस में वाज़े और साफ अल्फाज में ऐलान है कि खिंजीर के गोश्त को निजस यानी नापाक करार दिया गया है। मुसलमानों के लिए ये सबसे बड़ी दलील है कि जिस चीज़ को अल्लाह ने हराम करार दिया है इसमें लाजमी तौर पर कोई हिकमत होगी, यानी खिंजीर के गोश्त में ऐसी कोई खसूसियात होंगी जिसकी वजह से इस गोश्त का खाना नुकसानदेह होगा। इस्लाम की तरह तमाम साबिका इल्हामी मजाहब में भी खिंजीर का गोश्त हराम करार दिया गया था। खिंजीर की शक्ल और जिस्मानी साख्त देखी जाए तो इसका मुंह बिल्कुल चूहे की तरह है। चूहा एक ऐसी चीज़ है जिसको कोई भी खाना पसंद नहीं करता, बल्कि चूहों की वजह से कई दफ़ा दुनिया को ख़तरनाक किस्म के ताऊन जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ा, जिसमें लाखों लोग जानों से गए। खिंजीर एक ममालिया जानवर है जो बच्चों को दूध पिलाता है। इसके दूध पिलाने का सिस्टम बिल्कुल कुत्ते की तरह है। जाहिर सी बात है, कुत्ता भी नापाक जानवर है। ये भी कहा जाता है कि इस जानवर के पाँव के नीचे एक सुराख होता है जिससे इसके जिस्म में गंद दाखिल होता रहता है और इसके जिस्म का जुज बनता रहता है। खिंजीर की एक आदत ये भी है कि वो हर वक्त कीचड़ और गंदी जगहों में लुढ़कता रहता है, जिसकी वजह से इसका सारा जिस्म कीचड़ और गंद में लथपथ हो जाता है। खिंजीर की इस आदत से साबित होता है कि वो फितरतन गंदी तबीयत का मालिक है और गंद में रह के खुश रहता है। ऐसे गंदे जानवर को फितरत सलीमा के हामिल अफराद पसंद नहीं करते, चाहे इनका ताल्लुक किसी भी मजहब से हो। नाज़रीन गिरामी, साइंसी लिहाज से भी ये तहकीक की गई है कि खिंजीर का निज़ाम इन्हज़ाम इंतहाई कमज़ोर होता है। एक तरफ तो इसे जो कुछ मिलता है वो खाता रहता है। कीचड़, गंद और मट्टी उखेड़ उखेड़ कर इसमें से खुराक तलाश करना इसका पसंदीदा मशगला है। यही खुराक जब इसके जिस्म में जाती है तो इसका कमज़ोर निज़ाम इन्हज़ाम इन फजलात को बाहर निकालने की सकत नहीं रखता, लिहाजा ये फजलात इसके जिस्म का हिस्सा बन जाते हैं। जाहिर सी बात है कि इन फजलात से भरा गोश्त जब खाया जाता है तो अपने मुजर असरात जरूर दिखाता है। खिंजीर के जिस्म में जमा शुदा ये गलीज मादे इतने खतरनाक होते हैं कि जहरीली खसूसियात के हामिल बन जाते हैं। एक तहकीक के मुताबिक खिंजीर के जिस्म में इतना जहर होता है कि इसका बदन इन जहरीले मादों का आदि हो जाता है। अब अगर इसे जहरीला सांप भी काटे तो खिंजीर पर कुछ असर नहीं होता, लेकिन यही जहर जब इंसानी जिस्म में शामिल होता है तो इसके दो असरात में से एक लाजमी असर पैदा होगा। या तो खिंजीर का गोश्त खाने वाला इस जहर के असर से मर जाएगा, या फिर इसमें खिंजीर के जिस्म की तरह जहरीले असरात पैदा हो जाएंगे जिस पर मजीद जहर असर नहीं करेगा। खिंजीर के गोश्त का एक और नुकसान उसकी चर्बी भी है। खिंजीर के जिस्म में खतरनाक हद तक चर्बी शामिल होती है, बल्कि इसका आधा जिस्म चर्बी से भरा हुआ होता है। चर्बी के नुकसानात से कौन वाकिफ नहीं। चर्बी इंसानी जिस्म के लिए इंतहाई खतरनाक है, जो बहुत सी बीमारियों की बुनियादी वजह है। लोग चर्बी वाली अशिया से एहतियात करते हैं, जबकि तिब्बी लिहाज से भी चर्बी को इंसानी जिस्म के लिए नुकसानदेह करार दिया गया है। चर्बी से भरा जिस्म होने की वजह से इसका गोश्त इंतहाई गर्म खासियत का हामिल होता है। इसका गोश्त हिजान अंगेज और शहवत अंगेज होता है। खंजीर का गोश्त खाने वाले बेहयाई की हद तक शहवत के आदि हो जाते हैं। मगरबी ममालिक और इन जैसे दूसरे ममालिक जहाँ खंजीर का गोश्त खाया जाता है, वहाँ फहाशी भी ज्यादा है, जिसकी एक बड़ी वजह खंजीर के गोश्त के असरात भी हैं। दोस्तों, यहाँ पर सवाल आखिर ये पैदा होता है कि अगर खिंजीर इतना नापाक और पलीद है तो इसे पैदा क्यों किया गया? क्या ये जानवर सिर्फ ज़मीन पर एक नापाक बोझ है कि इससे सिर्फ नफरत ही की जा सकती है? ये बड़े दिलचस्प और अहम सवालात हैं, क्योंकि दुनिया में
कोई भी चीज़ बगैर किसी फ़ायदे के पैदा नहीं की गई, तो खिंजीर को पैदा करने का आखिर क्या मकसद था? नाज़रीन गरामी, कहा जाता है कि खिंजीर को अल्लाह ताला ने तब पैदा किया जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में मुख्तलिफ जानवरों की लीद, गोबर और पेशाब वगैरह से फ़जा मुतअफ़्फ़िन और बदबूदार हो गई। सब लोग इस बदबू से तंग आ गए जो रोज़ बरोज़ बढ़ती ही जा रही थी। नूह अलैहिस्सलाम की इल्तजा पर अल्लाह ताला ने खिंजीर के एक जोड़े को पैदा किया जिन्होंने आते साथ ही इन तमाम फजलों को खा लिया और लोगों ने सुख का सांस लिया। दुनिया में खिंजीर आज भी अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। वो ज़मीन पर पड़ा गंद और फजला और ख़तरनाक जरासीम और वायरसेस को अपने जिस्म का हिस्सा बनाकर ज़ाया करते रहते हैं। गोया खिंजीर ज़मीन पर चलते फिरते वैक्यूम है जो ज़मीन से ख़तरनाक तरीन अशिया का खात्मा करते रहते हैं और दुनिया में इंतहाई अहम जिम्मेदारी सरंजाम दे रहे हैं। उम्मीद है हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपनी राय का इजहार ज़रूर फरमाइए। खुदा हाफिज़।